खबर आपको दें कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लग गया है। साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया। महमूद खान का साथियों समेत नई जमात में शमूलियत का इम्कान है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं पेशावर के ब्यूरो चीफ अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा महमूद खान किस जमात में जा रहे हैं, कुछ मालूम हो सका है? जी, ये खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में सबसे बड़ी पेशरफ्त है और पीटीआई को एक बड़ा धचका है कि महमूद खान जो कि साबिका वजीर आला थे और साढ़े चार साल की हुकूमत उन्होंने की थी, अब जो है जराए का कहना है कि महमूद खान ने पीटीआई को खैरबाद कहने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से मशावरत भी मुकम्मल हो गई है। महमूद खान जो है वो अपने साथियों समेत जो कि नई जमात कायम होने जा रही है तो उसमें शमूलियत करेंगे और वहाँ पर जो है तमाम मामला तय पा चुके हैं कि हुकूमत साजी की सूरत में पावर शेयरिंग जो फार्मूला होगा उस पर भी मशावरत हो गई है। ये अब तक सबसे बड़ी खबर है कि महमूद खान जो कि पीटीआई में अहम ग्रुप समझा जाता था वो अपने साथियों समेत जो है वो पीटीआई छोड़ने का फैसला कर चुके हैं और जराए का ये कहना है कि वो जो नई जमात कायम होगी तो उसमें शमूलियत करेंगे। और इस हवाले से जो आज इजलास तलब किया गया है परवेज सटक ने, तो तवक्को है कि महमूद खान आज उस इजलास में भी शिरकत करेंगे। साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया। तफसीलात बता रहे थे अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया।